हेलो, गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल, विजिबल? आप लोगों के मैसेज नहीं दिख रहे मुझे अभी. हाँ, निशा जी, निशा ने ज्वाइन किया है, ऋषभ ने ज्वाइन किया है. एक दो लोग और आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्लास को ज्वाइन कर स्टार्ट करेंगे. प्रदीप, अनीता, एकता, एक्सक्यूज मी, सुश्री, सौम्या, प्रदीप, यश, स्मॉली, मोनिका, निधि. चलिए स्टार्ट कर लेते. हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं. लेट्स क्रैक पीसीएस जे विद अनअकैडमी एंड आई एम फैजान खान. अब आप लोग अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे. प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. जैसे ही आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां आपको बहुत सारी क्लासेस नजर आएंगी. क्लासेस को एक्सेस करने के लिए कोड यूज कीजिएगा एफके लाइव. जैसे ही आप एफके लाइव कोड यूज करेंगे, वहां आपको दो तरीके की क्लासेस नजर आएंगी. एक होगी आपकी स्पेशल क्लास और एक होगी आपकी प्लस क्लास. ये दो तरीके की क्लासेस होंगी. स्पेशल क्लास के लिए मैं आप लोगों से बोलूंगा, ये सेम क्लास ऐसे ही होती है जैसे अभी आप YouTube पर देख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए ये क्लास अवेलेबल है. और मैं रोज शाम को 7 बजे आप लोगों के साथ स्पेशल क्लास लेता हूं. तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि इस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. भाई, प्लस क्लास आप लोगों की पेड क्लास होती है, जहां हम लोग स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोर्स को कवर करते हैं. या स्पेशल क्लास फ्री लाइव क्लास है, जहां मैं आप लोगों को शाम को 7 बजे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं. मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. इस तरह से आप अपनी तैयारी को भीड़ से अलग कर सकते हैं और अनअकैडमी एप्लीकेशन के साथ आगे आ सकते हैं. यहां आपको मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी कुछ रनिंग बैचेस हैं, जहां आप एक्सपर्ट गाइडेंस में आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. साथ ही अब तो जुडिशरी का आइकनिक बैच भी आप लोगों के लिए है, जहां आप लोगों के लिए लाइव मेंटोरशिप मिलेगी, मेंस की फोकस्ड टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारे बेनिफिट जो प्लस वाले हैं वो तो एज इट इज रहेंगे. साथ में लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप लोगों के साथ रहेगा. भाई, फ्री स्पेशल क्लास के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शाम को 7 बजे होती है हमारी डेली बेसिस पे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आजकल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं सीआरपीसी को यूट्यूब पर कवर कर रहा हूं. जो लोग सीआरपीसी को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वैसे ही वो लोग आप लोग शाम को 7 बजे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देख सकते हैं. साथ ही प्री के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा चुका हूं. या आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज और स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीडीएफ के फॉर्मेट में. T20 मॉक टेस्ट है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस का, मंडे टू थर्सडे 9 से 9:30 बजे. प्राइसिंग प्लान देखिए, 1 महीना, 3 महीना और 6 महीने वाला अवेलेबल है. कम से कम 12 महीने का प्लान लीजिएगा, क्योंकि 12 महीने से कम में जुडिशरी की प्रिपरेशन नहीं होती. 18 महीने 24 महीने उनके लिए जो फर्स्ट टाइमर है, एलएलबी में है, वर्किंग है. एफ के लाइव कोड यूज करेंगे तो 10% का ऑफ भी मिलेगा. मुझे यूट्यूब पर फॉलो कीजिए और अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए. यहां आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन प्लस क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. एग्जाम्स के नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बता देता हूं, छत्तीसगढ़ का लॉ ऑफिसर का पेपर आया हुआ है. छत्तीसगढ़ का लॉ ऑफिसर का पेपर आया हुआ है. मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा.
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का भी 2 साल का अगर एक्सपीरियंस आप लोगों को है, यानी कि 2 साल आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हो गए हैं, तो आप यहां असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का पेपर दे सकते हैं। तो ये पेपर भी जरूर फिल कर लीजिएगा। YouTube पर हमारी 9:45 पर क्लास होती है सीआरपीसी की, ऑलरेडी मंडे टू फ्राइडे चल रही है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। भाई सारी बातें समझ आ गई है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश का पेपर आ चुका है, मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा इस पेपर को जरूर भर लीजिएगा। भाई जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें। आज का टॉपिक है आपका मैनर ऑफ कॉग्निजेंस। आज का आपका टॉपिक है मैनर ऑफ कॉग्निजेंस। जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और इसी बहाने आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। भाई कॉग्निजेंस में सबसे पहले हमने सेक्शन 190 को पढ़ा, जहां उससे पहले मैंने आप लोगों को कॉग्निजेंस का मीनिंग बताया। कॉग्निजेंस के मीनिंग में मैंने आप लोगों को बताया भाई कॉग्निजेंस का क्या मतलब है, किसी केस पर जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, ताकि उस केस को फॉरवर्ड ले जाकर ट्रायल की तरफ ले जाया जा सके, जुडिशियल माइंड अप्लाई करके। मैंने काफी बड़ी डेफिनेशन दी थी, मगर आपको एक ब्रीफ में पॉइंट दे दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था भाई कॉग्निजेंस किस चीज पे लिया जा सकता है, कॉग्निजेंस ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन, भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन पे आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था सीआरपीसी का एंट्री गेटवे, है, यानी कि सीआरपीसी का एक दरवाजा है जिसमें एंटर करना पड़ेगा आपको। ये एंट्री गेटवे ऑफेंस का कमिट होना नहीं होता, तो फिर क्या होता है, ये होता है ऑफेंस की इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटी, ये आपका एंट्री गेटवे होता है। तो मैंने आप लोगों को यहां इसके रिगार्डिंग बताया था, अगर ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस वाले को दी जा रही है तो ये एफआईआर होता है। अगर यहां विक्टिम मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई विक्टिम अगर मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये कंप्लेंट होता है, और अगर ये मैजिस्ट्रेट अपनी नॉलेज पर ले रहा है तो ये सू मोटो कॉग्निजेंस होता है, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भाई अगर इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास जाएगी ऐसे ऐसे, तो इस केस में यहां ऐसे होगा, इसे हम सू मोटो कॉग्निजेंस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहां बताया था अगर कॉग्निजेंस आपको पढ़ना है तो मीनिंग तो एक तरफ, भाई मीनिंग तो हो ही गया, आपको इसके अलावा कॉग्निजेंस में कुछ बातें और जानने की जरूरत है, जैसे कि कॉग्निजेंस से रिलेटेड अथॉरिटी, कॉग्निजेंस से रिलेटेड टाइम लिमिटेशन, और कॉग्निजेंस से रिलेटेड मैनर, मैंने आप लोगों को अथॉरिटी के रिगार्डिंग बताया था सेक्शन 191 से, इनफैक्ट 190 से लेके 193 तक दे रखी है। टाइम लिमिटेशन में भी हमने बात करी थी सेक्शन 467 से लेके 473 तक दे रखी है, और मैनर में मैं आप लोगों को बताऊंगा 195 से लेके 199 तक दे रखा है। मीनिंग हमारा हो चुका, अथॉरिटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं दोबारा से। भाई हम लोगों ने अभी तक बात करी थी कि सेक्शन 190 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कॉग्निजेंस लेता है। 193 में हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, नॉट डायरेक्ट कॉग्निजेंस। सेक्शन 192 में हमने पढ़ा था कि सीजेएम
कॉग्निजेंस लेने के बाद केस को मेकओवर कर देगा। तो हमने मेकओवर, विड्रॉल और कमिटल में डिफरेंस भी जाना था। इसके अलावा सेक्शन 191 हमने कंप्लाइंस पढ़ी थी। अगर मैजिस्ट्रेट अपनी नॉलेज पर केस लेता है, कंप्लाइंस अगर अपनी नॉलेज पर मैजिस्ट्रेट केस लेता है तो बोलिए जी, ये पॉइंट याद है आप लोगों को, 190, 191, 192 और 193, ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे। हां और ना बोलो जी, बोलो भाई, बिना बोले काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था आपसे, अगर सपोज करो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट नहीं है, नॉट कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, भाई अगर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट नहीं है तो उस केस में अगर प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट पर है, पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट पर है तो नॉट विशिएट। भाई प्रोसीडिंग अगर कंप्लेंट केस पे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं ली जा रही है तो वो विशिएट नहीं होगी। अदरवाइज इस केस में, भाई यहां इस केस में ये विशिएट हो रही थी, इस केस में ये विशिएट हो रही थी। उसके बाद अब बात कर लेते हैं टाइम लिमिटेशन की। भाई टाइम लिमिटेशन को भी एक बार इसी वे में पढ़ लेते हैं। भाई टाइम लिमिटेशन में मैंने आप लोगों को सबसे पहले सेक्शन 467 पढ़ाया। भाई सम अप कर रहा हूं, बहुत सारे लोग होते हैं नोट्स को ले जाके फेंक देते हैं और उस पर धूल झाड़ने के बाद फिर क्लास लेने बैठते हैं, तो एक बार धूल झड़ जाएगी अच्छे से, ठीक है। सेक्शन 467 में मैंने आप लोगों को बताया डिफाइन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, डिफाइन बताइए आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फिर उसके बाद हमने 468 में एक टेबल बनाई, 468 में हमने एक टेबल बनाई जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात किया भाई टाइम लिमिटेशन या फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में। भाई टेबल कैसे थी, फाइन के केस में, फाइन के केस में 6 महीने, अगर 1 साल तक पनिशेबल है तो 1 साल, और अगर 1 साल से 3 साल है तो 3 साल, और अगर 3 साल से ज्यादा है, मोर देन 3 है तो उस केस में, मोर देन 3 के केस में एनी टाइम। ये मैंने आप लोगों को टेबल बना के दिखाया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शन 473 पढ़ाया, मैंने आप लोगों से कहा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, भाई एक्सटेंशन दी जा सकती है यानी कि कॉन्डोनेशन दी जा सकती है, कॉन्डोनेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उसके बाद मैंने आप लोगों को सेक्शन 469 पढ़ाया, यहां मैंने आप लोगों को बताया कि कमेंसमेंट कैसे होगा। भाई ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके कल की क्लास में, कमेंसमेंट कहां से होगा, तो मैंने आप लोगों को यहां वर्ड कोड किया कोई, KOI, यानी कि नॉलेज ऑफेंस कमिटेड और इंफॉर्मेशन, इस केस में कोई हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहां एक सेक्शन और पढ़ाया था भाई, 467 हो गया, 468 हो गया, 473 हो गया, 469 हो गया। फिर हमने बात करी थी एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की सेक्शन 470 में, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की, यहां हमने बात करी थी इंजंक्शन के केस में, इंजंक्शन के केस में अगर स्टे मिल गया तो क्या होगा, या इसके अलावा मिस्टेक से रॉन्ग कोर्ट में है तो क्या होगा, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ केस में डेट के एक्सक्लूजन की बात भी करी थी, डेट का एक्सक्लूजन यानी कि अगर कोर्ट क्लोज निकला, मैंने कल रक्षाबंधन का एग्जाम्पल भी दिया था, सैटरडे और संडे का एग्जाम्पल भी दिया था, अगर कोर्ट क्लोज है तो उस डेट को एक्सक्लूड कर दोगे आप, ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद 472 में हमने कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में भी पढ़ लिया था, कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है। भाई ये सारी बातें याद आ गई आप लोगों को, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं मैनर से रिलेटेड बातें। देखो 15 मिनट में हम पूरा रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से, मैं आपसे फिर कह रहा हूं भाई 154 से यहां तक के सारे सेक्शन अच्छे से लिखकर देखना पेन से,
एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा बेयर एक्ट लिख जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब इसे लिखना सीख गए। चलिए अब बात कर लेते हैं मैनर की, भाई कॉग्निजेंस का मैनर। ठीक है भाई, मैनर में मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से सेक्शन लगेंगे। सेक्शन लगेगा 195। पहले एक बार बता देता हूं सेक्शन में कहां कहां क्या क्या लिखा है। यहां ये कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट किया है आपने लॉफुल अथॉरिटी का। अगर आपने कंटेम्प्ट किया है लॉफुल अथॉरिटी का, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे आईपीसी में जो सेक्शन दे रखे हैं 172 से लेके 188 तक, यानी कि वो सेक्शन जो सीआरपीसी पे लगते हैं, जो सीआरपीसी पे लगते हैं, अगर आपने उससे रिलेटेड अगर ऑफेंस किया है, मतलब पब्लिक सर्वेंट की कोई बात नहीं मानी, इसके अलावा आपने कोई फॉल्स एविडेंसिंग से रिलेटेड काम किया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहां। 195 कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, ठीक है, और इसके साथ में ये डॉक्यूमेंट वर्ड को भी कोट करता है, तो इसलिए फॉल्स एविडेंस फॉर्जरी से रिलेटेड सेक्शन भी हम यहां कोट करेंगे। इन केसेस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे 195 ए की। पहले 196 लिख लेते हैं, 195 है, बाद में ही डिस्कस करेंगे। ये कहते हैं अगर आपने स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, भाई सेडिशन का ऑफेंस होता है ना, सेडिशन का ऑफेंस होता है भाई 124 ए, कोई ऐसा ऑफेंस किया है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी करी है, इससे रिलेटेड मैटर में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। इसके बाद 197 अगर आप जज हैं, अगर आप जज हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट हैं, तो उसके अगेंस्ट एफआईआर हो भी गई है तो कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। इसके अलावा 198 अगर मैरिज का केस है तो कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा मैरिज के केस में, और उसके बाद 199 डिफेमेशन के केस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा। डिफेमेशन के केस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा ये बातें हम करेंगे। देखो थोड़े से टेक्निकल सेक्शन है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं, थोड़े से टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकलिटीज आएंगी इस सेक्शन में, धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे ताकि चीजें आसानी से आप लोगों को समझ में आती रहें। देखो सेक्शन 195 के बारे में, सेक्शन 195 के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें ही करेंगे, सेक्शन 195 के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। सेक्शन 195 का ये वन कहता है अगर कोई ऑफेंस हुआ है जो कि आईपीसी में सेक्शन 172 से लेके 188 तक है, या फिर इसी से रिलेटेड कोई अबेटमेंट या फिर अटेम्प्ट किया गया, या फिर इसी से रिलेटेड कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है। ये सारे ऑफेंसेस कौन से हो गए जो मैंने आप लोगों को बताया था सीआरपीसी के अंडर फॉल होते हैं। उसके बाद इसी के बी वाले क्लॉज में इन्होंने कहा अगर कोई ऑफेंस हुआ है फॉल्स एविडेंसिंग से रिलेटेड, यानी कि 193 से 196 आईपीसी का। इसके अलावा कुछ और सेक्शन भी दे रखे हैं जैसे 200, 205, हमें सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस पता करने की जरूरत है कि इन मैटर में कैसे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। इसके अलावा फॉर्जरी से रिलेटेड आईपीसी में जो फॉर्जरी दे रखी है सेक्शन 463, इससे रिलेटेड या तो अबेट हुआ है या फिर अबेटमेंट हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, या फिर इससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी हुई है। तो उस केस में भाई कैसे आप कॉग्निजेंस लोगे, उस केस में आप कॉग्निजेंस कैसे लोगे। यहां कहते हैं जब सुपीरियर कोर्ट ऑथराइज करेगा,
सुपीरियर कोर्ट ऑथराइज करेगा फॉर टेकिंग एन एक्शन। तब आप इस मैटर से रिलेटेड कॉग्निजेंस ले सकते हो, यानी कि यहां कॉग्निजेंस में मैनर के ऊपर एक कंप्लाइंस बढ़ा दिया गया है। इस केस में आपके ऊपर एक कंप्लाइंस बढ़ा दिया गया है। भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो आप, जज की कुर्सी पे बैठ गए, फॉर्जरी से रिलेटेड केस आया, आईपीसी बे सेक्शन 172 से लेके 188 तक केस आया, तो उस केस में आप सुपीरियर कोर्ट से इस बारे में बताते हो, वहां से परमिशन का लेटर आ जाता है, तब उसके बाद आप यहां इससे रिलेटेड एक्शन ले सकते हो। ठीक है भाई, कोर्ट ऑथराइज करता है और सुपीरियर कोर्ट राइटिंग में देता है फॉर टेकिंग एक्शन। ये पॉइंट आपको क्लियर है? एक बार सेक्शन पढ़ोगे तो सेक्शन 195 आ जाएगा समझ में। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं, इस पॉइंट पे एक पॉइंट बता देता हूं। यहां दिल्ली जुडिशरी में, दिल्ली जुडिशरी में मेंस में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ इतने हिस्से पर एक मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्वेश्चन था, 10 नंबर में। ठीक है भाई, ये मैनर है भाई। क्या ये भाई, अनीता जी पूछ रही है, सर क्या कंप्लेंट पर लग सकता है ये सेक्शन? भाई अनीता, इन केसेस में आप केस को कैसे दर्ज करोगे, इस केस को कैसे दर्ज करोगे भाई? ये कहते हैं केस कैसे भी आया हो, केस कैसे भी आया हो, चाहे एफआईआर पे आया हो, चाहे कंप्लेंट पर आया हो, या फिर चाहे वो सू मोटो कॉग्निजेंस पर आया हो, हम बात कर रहे हैं उस स्टेज की जहां इसका कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। यहां मजिस्ट्रेट साहब के पास, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने देखा एफआईआर पे है, कंप्लेंट पे है, सू मोटो पे, इससे मतलब नहीं देखता। कागज जो सामने आए उसमें देखा कि इसमें से कोई रिलेटेड बात लिखी है, कौन सी, या तो 172 से लेके 188, या फिर फॉर्जरी से रिलेटेड, या फिर फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड, ये बातें लिखी है। तो अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, यहां उन्हें सुपीरियर अथॉरिटी से परमिशन चाहिए, उन्हें यहां सुपीरियर कोर्ट से परमिशन चाहिए कॉग्निजेंस लेने के लिए, फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। यानी कि मजिस्ट्रेट साहब यहां सुपीरियर कोर्ट की परमिशन का वेट करेंगे इस मैटर को ट्रायल की तरफ ले जाने से पहले। सर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले वारंट इशू कर सकता है? भाई आवा, किस पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हो? पॉइंट ये है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर केस लाए कर रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर केस लाए कर सकता है? एफआईआर केस है, कंप्लेंट केस है, सू मोटो कॉग्निजेंस का केस है, हर केस में ये अलग अलग बात होगी, हर केस में ये अलग अलग बात होगी। एफआईआर के केस में आंसर इज नो, कंप्लेंट केस और सू मोटो केस ऑफकोर्स यस। मैं फिर से कह रहा हूं, टेक्निकलिटीज बढ़ जाएंगी इससे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब कंप्लेंट केस और सू मोटो कॉग्निजेंस में ऑफकोर्स यस, कॉग्निजेंस से पहले वारंट इश्यू हो सकता है, एफआईआर के केस में नॉट पॉसिबल। प्रोसीडिंग्स की बात है भाई, प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी? ठीक है, अभी भाई अभी अनअकैडमी पे ना आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, जहां मैंने आप लोगों को ट्रायल से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं, हर केस में कैसे प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, तो इस पॉइंट को आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, हर केस में प्रोसीडिंग्स का वे अलग होता है। ये पॉइंट उम्मीद करता हूं मैं समझ आ गया होगा, सेक्शन 195। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं टेक्निकलिटीज में और जा सकता हूं, मगर मैं यहां इस पॉइंट पर नहीं जाऊंगा,
क्योंकि प्री के हिसाब से आपके लिए इतना सफिशियंट है, प्री के हिसाब से सफिशियंट है। जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, जब दिल्ली जुडिशरी में पेपर आया हुआ है कि फॉर्जरी से रिलेटेड क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं सेक्शन 195A की। भाई एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है 195A। देखो एक बात देखना, ये सेक्शन आप लोगों को सीआरपीसी में भी मिलेगा और सेम सेक्शन आप लोगों को 195A पोजीशन पे आईपीसी में भी मिलेगा, मगर दोनों का अमेंडमेंट नंबर अलग अलग है, दोनों का अमेंडमेंट नंबर अलग अलग है, ये देखकर चलिएगा। ठीक है, सेम सेक्शन मिलता है भाई। मेघना प्री के हिसाब से बेसिक क्लास है, जहां आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट अपने आप उस लेवल पर नहीं समझ सकते, मैं आपको दूसरे लेवल दिखाता रहता हूं ताकि आप पूरा बेयर एक्ट भी पढ़ लो और अच्छे से सारी चीजें समझ लो। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 195A सीआरपीसी की। यह क्या कहता है 195A सीआरपीसी का, यह कहता है इस केस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है। अगर किसी पर्सन ने थ्रेटन किया है विटनेस को, ऑफेंस कमिट हुआ है थ्रेटनिंग ऑफ विटनेस का, भाई किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है थ्रेटनिंग ऑफ विटनेस, थ्रेटनिंग ऑफ विटनेस का ऑफेंस कमिट किया है, ये थ्रेटनिंग ऑफ विटनेस का ऑफेंस कौन से सेक्शन में है, अंडर सेक्शन 195A ऑफ आईपीसी, इसमें इसने ऑफेंस किया है। तो इस केस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है, तो ये कहते हैं विटनेस या फिर कोई अदर पर्सन कंप्लेंट फाइल करेगा तब कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। विटनेस या फिर अदर पर्सन कंप्लेंट फाइल करेगा तब इस पॉइंट पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया भाई। विटनेस को केस फाइल करना पड़ेगा या फिर किसी अदर पर्सन को जो उस केस से रिलेटेड हो। भाई अनीता फिर वही वाली बात है, टेक्निकलिटीज में बहुत जा सकता हूं मैं, मगर ये क्लास टेक्निकलिटीज के लिए नहीं है। ठीक है, तो 195A में बताया गया है अगर विटनेस को थ्रेटन किया गया है तो उस केस में आप कैसे कॉग्निजेंस लोगे। उस केस में आपको देखना पड़ेगा कॉग्निजेंस लेने से पहले कि विटनेस ने या फिर अदर पर्सन ने कंप्लेंट फाइल की है तब ले सकते हो, यानी कि यहां लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट लगता है, लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट लगता है। जनरली सीआरपीसी में कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में नहीं होता, मगर ऐसे केसेस में लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आप लोगों की मेहनत आसान कर रहा हूं, मगर फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो टेक्निकलिटीज हैं, ये एक क्लास में कवर करने वाला सेक्शन नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं 195A डेढ़ घंटे की क्लास में भी कवर नहीं होता। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ब्रीफ पॉइंट दे रहा हूं ताकि आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे, प्री में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा और आप डायरेक्ट भी अपने आप पढ़ लोगे। सेक्शन 196, भाई सेक्शन 196 क्या कहता है, ऑफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। भाई आपने ऑफेंस किया अगेंस्ट स्टेट, भाई कौन से केसेस में आप ऑफेंस करते हो स्टेट के अगेंस्ट, तो आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगते हैं 153A। भाई हेट स्पीच के लिए भी सेक्शन बोला जाता है, आईपीसी में हेट स्पीच का कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, मगर 153A को हेट स्पीच के प्रोस्पेक्ट से देखा जाता है। 295A, 505,
अगर आप इससे रिलेटेड ऑफेंस कर रहे हो या फिर इससे रिलेटेड इन ऑफेंसेस से रिलेटेड आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या फिर इस ऑफेंसेस से रिलेटेड आप अबेटमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा 1A में आपको बताया गया है अगर ऑफेंस कमिट किया गया है 153B में या फिर 505 में, इन सब केसेस में आप कॉग्निजेंस कब लोगे? कॉग्निजेंस कब लिया जा सकता है? जब परमिशन मिलेगी। प्रीवियस परमिशन रिक्वायर्ड है किसकी? प्रीवियस सेंक्शन रिक्वायर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। जनरली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एज अ प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सर हम क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं? देखो एक बात समझ लो, फिर से बता देता हूं। एफआईआर केस में, कंप्लेंट केस में या फिर सू मोटो कॉग्निजेंस के केस में, यहां केस आपके सामने आया एज अ मैजिस्ट्रेट, एज अ मैजिस्ट्रेट आपके सामने केस आया, आप केस को कॉग्निजेंस लेकर क्या करते हो? ट्रायल की तरफ लेकर जाते हो, ट्रायल की तरफ लेके जा सकते हो। जनरली आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कॉग्निजेंस लेके केस को ट्रायल की तरफ लेके जाने की, मगर कुछ केसेस में मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। हम इसे रेस्ट्रिक्शंस ना कहकर हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं मैनर। हम इसे रेस्ट्रिक्शंस ना कहकर क्या कहते हैं? हम कहते हैं मैनर, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन जो है बहुत निगेटिव वर्ड हो जाता है। यहां एक लिमिटेशन इंपोज की गई है कि आपको यह प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा तभी आप कॉग्निजेंस ले सकते हो, वरना आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो मैंने आप लोगों को यह पॉइंट बताया इस केसेस में 195 के केस में क्या होगा, भाई परमिशन की जरूरत पड़ रही है। 195A में लोकस स्टैंडाई की जरूरत नहीं पड़ती, लोकस स्टैंडाई की जरूरत पड़ती है। 196 में मैंने आप लोगों को बताया स्टेट के केस में प्रीवियस सेंक्शन रिक्वायर्ड है डीएम का, प्रीवियस सेंक्शन रिक्वायर्ड है डीएम का। ठीक है भाई आशिका, थोड़ा सा स्लो चलता हूं, वैसे ये पॉइंट रिपीटेड है इसलिए थोड़ा सा तेज बता रहा था मैं। एफआईआर कंप्लेंट केस में मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस आता है, कॉग्निजेंस पर जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मगर जब बात आती है कुछ पर्टिकुलर केसेस की जो कि आपको सेक्शन 195 से लेकर 199 तक मिलते हैं, इन केसेस में मैजिस्ट्रेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मगर हम यहां ये वर्ड निगेटिव होता है रेस्ट्रिक्शन, इसलिए इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। हम किस वर्ड को यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मैनर को, यानी कि आप प्रोसीजर फॉलो करवाइए और कॉग्निजेंस ले लीजिए, प्रोसीजर फॉलो करवाइए और कॉग्निजेंस ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पहले केस में आपको सेक्शन 195 में क्या प्रोसीजर फॉलो करवाना है? भाई 195 में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करवाना है? सुपीरियर कोर्ट से परमिशन, सुपीरियर कोर्ट से परमिशन। अगर आप ट्रायल की तरफ ऐसे मुकदमे को लेके जाना चाहते हो तो आपको सुपीरियर कोर्ट से परमिशन की जरूरत है। 195A में मैंने आप लोगों को बताया विटनेस ने या फिर अदर पर्सन ने कंप्लेंट फाइल की हो, यानी कि लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा, विटनेस या फिर अदर पर्सन ने कंप्लेंट करी हो। 196 में हमने बात करी कि ऑफेंसेस किससे रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड। क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, या फिर लॉ की भाषा में बोलूं मैनर क्या होगा, यानी कि किस चीज को पूरा कर दो आप कॉग्निजेंस ले सकते हो, डीएम की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंक्शन। वैसे तो आप फ्री हो भाई, जुडिशरी फ्री होती है ना,
किसी भी मैटर पे संज्ञान लिया जा सकता है, मगर कुछ केसेस में जुडिशरी के हाथ बांध दिए गए, मगर हम उसे रेस्ट्रिक्शन नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत वर्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड होगा, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैनर। भाई मुकेश देवी जी, बिल्कुल देसी आसान सी भाषा में मैंने आपको ये बात बताई है, क्या समझ आई है आप लोगों को? बोलिए जी, ये पॉइंट समझ आ गया? जी अब बात कर लेते हैं सेक्शन 197 की। सेक्शन 197 की, भाई सेक्शन 197 में क्या कहते हैं? भाई आप किसी जज पर या फिर पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहते हो, ठीक है, आप किसी जज को या फिर पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहते हो, ठीक है भाई, ये प्रोटेक्शन, यहां इसे प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहां इसे प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये प्रोटेक्शन क्या कहती है? ये कहती है आप कॉग्निजेंस ही नहीं लोगे, नो कॉग्निजेंस अगेंस्ट अगेंस्ट जज और पब्लिक सर्वेंट। सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, यानी कि जज और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर मुकदमा ही नहीं होगा? नहीं जी नहीं, ये कहते हैं ये जो प्रोटेक्शन है ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू वर्क डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, वर्क डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर किसी पर्सन ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एज अ जज या फिर पब्लिक सर्वेंट की तरह काम किया है तो उसे उस मैटर पे कंप्लेंट करके कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, उस मैटर पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। जैसे कि अगर पुलिस वाला किसी पर्सन को अरेस्ट कर ले, अगर पुलिस वाला किसी पर्सन को अरेस्ट कर ले, इस केस में अरेस्टी, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, वो पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेंट कराना चाहता है, भाई पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेंट कराना चाहता है बिफोर मजिस्ट्रेट, तो ये कहते हैं अगर ये काम ऑफिशियल ड्यूटी में किया गया है पुलिस वाले के द्वारा, ये काम ऑफिशियल ड्यूटी में किया गया है पुलिस वाले के द्वारा, तो उस केस में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ये कहते हैं सर कैसे पहचानोगे कि कॉग्निजेंस ऑफिशियल ड्यूटी में काम हुआ है या नहीं हुआ है? तो इस केस में ये कहते हैं भाई एक बात बताओ, क्या पुलिस वाला किसी पर्सन को शूट कर सकता है ऑफिशियल कैपेसिटी में? क्या पुलिस वाला किसी पर्सन को ऑफिशियल कैपेसिटी में शूट कर सकता है? बताओ जी, क्या पुलिस वाला किसी पर्सन को ऑफिशियल कैपेसिटी में शूट कर सकता है? आंसर इज क्लियर नो। भाई ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी पर्सन को शूट नहीं किया जा सकता। भाई आप सभी लोगों को पता होगा कि नागालैंड में केस हुआ था एक, अभी फिलहाल में कुछ दिन पुरानी बात है, भाई एक वैन पर जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ओपन फायर खोल दिया। इस पॉइंट पर एक डिबेट शुरू हो गई है, क्यों? क्योंकि यहां इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है एक लॉ के अंडर, भाई अफसफा एक्ट के अंदर इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है,
अब सफा ऐप के अंदर इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है कि ये किसी भी पर्सन पे अगर इन्हें डाउट है तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो यहां प्रोटेक्शन मिली गई है, तो यहां इनके अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, यहां नो कॉग्निजेंस। मगर क्या ये प्रोटेक्शन बिना लॉ के मिल सकती है? आंसर इज क्लियर नो। जैसे कि भाई एक बात बताओ, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है, क्या वो किसी पेशेंट की जेब काट सकता है? अबे किसी पेशेंट की जेब काट सकता है ऑफिशियल कैपेसिटी में, पिक पॉकेट कर सकता है ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो से वो डायग्नोस कर रहा है गवर्नमेंट डॉक्टर? आंसर इज क्लियर नो। तो ऑफिशियल कैपेसिटी आपको उस पर्सन के वर्क से रिलेटेड देखनी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते। सेक्शन 198 में आपसे कहा गया है अगर मैरिज में ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, तो उस केस में आप कॉग्निजेंस कैसे लोगे? भाई कोई ऑफेंस हुआ है जो कि मैरिज से रिलेटेड है तो उस केस में आप कॉग्निजेंस कैसे लोगे? तो इस केस में अगेन लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट आएगा, लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि सर ये कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे हु इज फाइलिंग कंप्लेंट, हु इज फाइलिंग कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट फाइल कर रहा है, यानी कि क्या पड़ोसी, भाई किसी का पति है, किसी का पति है, वो अपनी बीवी को यहां इस घर में रोज मार पीटता है, इनका एक पड़ोसी है जो इस बात को देख के बड़ा दुखी है, क्या ये कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकता है? क्या ये पर्सन कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकता है? आंसर इज कोर्ट विल आस्क अबाउट हिज लोकस स्टैंडाई, तुम कौन होते हो भैया? जनरली लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मगर इस केस में लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बोलिए बात समझ आ रही है? ये बहुत आसान और देसी भाषा में चीजें समझा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां बहुत कुछ होता है बताने लायक। बहुत देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जब सेक्शंस को पढ़ो तो उसके बाद आसानी से पढ़ जाओ। देखो उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, एक सेक्शन और दिखाता हूं। देखो 198B ये कहता है रेप के केस में, रेप का केस कौन सा वाला? सेक्शन 376B वाला, यानी कि जब मैरिज में सेपरेशन हुआ है, जब मैरिज में सेपरेशन हुआ है उस केस में कॉग्निजेंस कैसे लिया जा सकता है? कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? जब केस कौन फाइल कर रहा है? वाइफ फाइल कर रही है। भाई वैसे जनरली रेप के केस में कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, मगर मैरिज से रिलेटेड केस में, यहां सेपरेशन से रिलेटेड केस हुआ है तो वाइफ जो है फाइल करती है केस। ये वैसे भी बेलेबल अफेंस होता है, मैं बता देता हूं आपको, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे इंटरव्यू में, क्या रेप का केस किसी भी सिचुएशन में बेलेबल होता है? जी आंसर इज सेक्शन 376B, ये आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 198B में यहां आप देखोगे लिखा है जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि वाइफ ने केस फाइल किया है तभी उसी से रिलेटेड केस में ये मैटर को कॉग्निजेंस लेकर मैजिस्ट्रेट ट्रायल की तरफ लेकर जाएगा। भाई क्लियर है, समझ आ रही है बात? 198B देखो क्या कहता है।
उसके बाद अब एक और सेक्शन, भाई इस पोर्शन का लास्ट सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सेक्शन 199। सेक्शन 199 देखो, 199 बताने से पहले मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी है। ये केस किससे रिलेटेड है? डिफेमेशन से रिलेटेड है, डिफेमेशन से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया था सेक्शन 193। सेक्शन 193 आपसे कहता है कोर्ट ऑफ सेशन नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस। भाई कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। इस केस में ये सेक्शन 193 का एक्सेप्शन है सेक्शन 199। सेक्शन 199 एक्सेप्शन है 193 का, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन इन केस ऑफ डिफेमेशन कैन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, इन केस ऑफ डिफेमेशन कैन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, कैन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस। क्या सर और भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है? जी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस है। केस कौन फाइल करेगा? केस फाइल कौन करेगा? ये कहते हैं केस फाइल करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, केस फाइल करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और अगर ये हायर डिग्नेटरी से रिलेटेड है, अगर ये हायर डिग्नेटरी से रिलेटेड है तो उस केस में टाइम पीरियड भी मेंशन है, यहां टाइम लिमिटेशन मेंशन है इसी सेक्शन में, ये कितना है? 6 महीने का। ये दोनों आपके प्री के सवाल है, ये दोनों आपके प्री के सवाल है। फ्रॉम डेट ऑफ ऑफेंस, हायर डिग्नेटरीज के केस में 6 महीने का टाइम पीरियड है, टाइम लिमिटेशन। बोलिए क्लियर हुआ ये सेक्शंस? भाई देखो आपको ब्रीफ दिया है मैंने सेक्शंस का, मैं फिर से कह रहा हूं ब्रीफ दिया है मैंने आप लोगों को। भाई अभय आप अभी भी क्लास में साथ में है मेरे? हाँ भाई अभय, अच्छा अभय जी चले गए। भाई अभय जी मैं आपको बता देता हूं, कल मैं सेक्शन 200 पढ़ाऊंगा कंप्लेंट प्रोसीडिंग, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा समझने के लिए। ठीक है भाई, आज के लिए इसे इतना ही कर लेते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं।